अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब भाई ठीक होंगे। आज मैं ये जो वाइपर हैं जो विंडशील्ड के होते हैं इसको मैं चेंज करने का आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे ना पुराने वाइपर हैं जो कि वैगनर के साथ बिल्कुल ओरिजिनल आते हैं, ये मेटल में होते हैं और इसमें वायर्स वगैरह हमेशा से मुझे इशू रहता था कि मैं जब भी ये चेंज करवाता था या तो ये चीज़ टूट जाती थी और या फिर ये वायर बाहर आ जाती थी। तो एक दो बार तो वायर काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गई थी और मेरी जो शीशे की ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी ये लगने लगी थी। अक्सर आपने गाड़ियों के ऊपर देखा भी होगा कि वो ये जो वायर है ये टेढ़ी हो के या बाहर निकल के लगना शुरू हो जाती है, बंदे को फील नहीं होता और वो सारी विंडशील्ड के ऊपर हमेशा के लिए एक बहुत गंदा सा स्क्रैच चला जाता है। तो आज मैं ये वाले लेके आया हूँ वाइपर। ये वाइपर टोटल एक सॉफ्ट प्लास्टिक में होते हैं और यहाँ पे भी एक अच्छी क्वालिटी का है। ये जी कंपनी है, ये कोई लोकल भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है, एक कैजुअल से मैंने आम से जो मुझे शॉप से मिले हैं ये मैंने लिए हैं, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक नॉर्मल सी क्वालिटी है और ये मुझे तकरीबन 400 से 500 के कॉस्ट मुझे किए हैं। इसमें अच्छे आप लेंगे तो 1000-1200 के भी हैं, इसी तरह से फिर आगे रेंजेस चलती हैं। बाकी नॉर्मली ये 200-250 शुरू होते हैं और 500 तक ईजीली मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये चेंज करना बड़ा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ये है कि आपको ये एक बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको पहले यूं कर लेना, इस बटन को आप इस तरह प्रेस करेंगे तो ये ऊपर को खुल जाएगा। तो ये जो बटन है आपने इसको प्रेस किया और ये नीचे को आ जाएगा, फिर इसको आप ऊपर से बाहर निकाल देंगे। ये बाहर आ गया, अब इसको भी इसी तरह हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको पहले यूँ किया, आगे से ये बटन नीचे करके थोड़ा सा इसको खींच लेंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि एक तो आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई इजाफा होगा और एक इंसान के अंदर फिर पैशन पैदा होता है कि वो अपनी गाड़ी का काम खुद करता है और उसको खुद थोड़ी सी हाव नाव रहती है, थोड़ी सी उसको इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो अपने काम खुद कर सकता है, वरना इसके लिए स्पेसिफिक हमें टाइम निकाल के जाना पड़ता है, तो वो बड़ा एक होता है। अच्छा, ये तकरीबन सब में सेम ही तरीका होता है। यहाँ से ये जो एंड पे आपको एक निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप इसे दोनों साइडों से प्रेस करेंगे तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा, फिर आपने इसको फॉलो करना है। ये आगे से यू बन रहा है तो यू इसके अंदर आएगा, तो आप इसके अंदर यूँ डाल के इसको यूँ करके इसको बंद कर देंगे, सिर्फ ये इतने में आपका ये लग गया। वरना आप जब इसको किसी जगह पे करवाते हैं तो अक्सर वो आपसे लगाने के 50-50 रुपये ले लेते हैं, 50-100 रुपये आराम से ले लेते हैं। अच्छा, इसको भी आप ये लगा सकते हैं, इसको भी इसके अंदर, ये देखें ये बंद है, इसको हमने प्रेस किया ये खुल गया। ये एक्चुअली लॉक्स हैं जो प्रेस करने से खुल गए, इसको हमने यूँ इसके अंदर डाला और फिर ये जो है इसको यूँ कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। तो ये हमारे जो हैं इनको भी मैं सेव कर लूँगा। जो ओरिजिनल होता है उसमें ये बड़ा होता है ये वाला, और इसमें लेकिन ये बराबर है तो इसका वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, इजीली हो जाता है। इसको भी आप सेव कर लें और अगर आप कल को गाड़ी फॉर रीसेल के लिए लेके जाते हैं तो फिर भी एक काम आ सकते हैं, आप ओरिजिनल उनको दे सकते हैं। बाकी ये अगर ख़राब होते हैं तो आप सारे को उतार के दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि ये कैसे लगे हैं, तो अभी हम इसका ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह के लगे हैं। ये बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। पहले मेरा ना इस साइड पे बहुत इशू आता था, ये जो साइड है ये बिल्कुल ही आधी छोड़ देता था, आधी करता था, अभी ये बिल्कुल ओके कर रहा है काम। चले जी, तो इसी तरह छोटी छोटी मैं जो भी काम करता हूँ अपनी बाइक में या अपनी इस गाड़ी में, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।